और रणभूमि में इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां कई विशेष टीमें अलग अलग जगह लगी हुई हैं और उनकी कोशिश है शाइस्ता परवीन को तलाशने की। प्रयागराज में शाइस्ता परवीन की तलाश तेज। स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की अलग अलग टीमें इस समय मरियाडीह के इलाके में है। प्रयागराज के मरियाडीह के इलाके में पुलिस ने दबिश दी है, क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि शाइस्ता परवीन इसी इलाके में हो सकती है। उनका जो माइका है वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस को उम्मीद ये थी कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के सुपुर्द खाक में जरूर पहुंचेंगी और वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। फिर पुलिस ने एक बार फिर वो जो कब्रिस्तान है प्रयागराज का, वहां पर जाकर पुलिस बैठी थी जब अतीक अहमद को, उनके शौहर को दफनाया जा रहा था, लेकिन तब भी नहीं पहुंची। अब अशरफ के ससुराल में छिपे होने की आशंका है, और अशरफ यानी अतीक अहमद का भाई, जो अतीक अहमद के साथ ही मारा गया था, उसके ससुराल मरियाडीह में भारी संख्या में पुलिस पहुंची है। शाइस्ता परवीन भी 50,000 रुपए की इनामी है और पुलिस को उम्मीद है कि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी से बहुत सारे राज खुलेंगे। कौन कौन पैसे दे रहा था, एक जानकारी जो मिली है वो ये है कि कम से कम 14 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए और सारे पैसे शाइस्ता परवीन के पास ही पहुंचते थे।